गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसा आज आप देख सकते हैं मेरे साथ है फिर से बुलेट 350 स्टैंडर्ड। तो पहले इसको चालू करते हैं, फिर मैं आपको इस बाइक के बारे में बताता हूँ, इसका शॉर्ट टर्म रिव्यू देता हूँ। मैं ये बाइक 4674 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक, और मैं अपने बड़े भाई, अनफॉर्चुनेटली मेरा बड़ा भाई यहाँ पर आ नहीं पाया, उसको काम पड़ गया था, तो मैं उसकी तरफ से लद्दाख का रिव्यू दूंगा पूरा कि बुलेट ने कैसा परफॉर्म करा। तो यहाँ से चलते अब। तो जैसा आप देख सकते हैं कि अभी बुलेट एक एक में चालू हो गई थी, और लास्ट टाइम जब मैंने इसका रिव्यू बनाया था वो 5.2 के व्यूज क्रॉस कर चुके थे। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप जिन्होंने मेरी वाली वीडियो देखी थी वो इस रिव्यू का वेट कर रहे होंगे जहाँ तक मेरे को लगता है। लेट्स सी क्या होता है, वाली वीडियो कितनी चलती है मेरी, मेरे को बहुत खुशी हुई देखे कि 5K+ व्यूज मेरे को लग नहीं रहा था जल्दी एक महीने के अंदर अंदर किसी वीडियो पर आ पाएंगे। ये हाथ में मेरे घुस गया, कुछ दर्द हो रही है, निकल गया। तो सबसे पहली बात, बाइक पहले से बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। मतलब शुरुआत में जितना वाइब्रेशंस आ रहे थे वैसे कोई वाइब्रेशन नहीं आ रहा बाइक पे। और ये हाथ में मेरे क्या घुसा था, मेरे दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़, एक सेकंड के लिए वीडियो रोकनी पड़ेगी मेरे को। हाँ, तो अभी मेरे हाथ में पता नहीं क्या घुस गया था, पूरी दर्द हो रही थी हाथ पे। तो जैसे मैं बता रहा था कि वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है इसमें। मैंने रोनल फील्ड वालों का जो बुलेट के लिए आता है ऑयल आता है एंजॉय ऑयल, वही डलवाया था। रेगुलर टाइम पे मैंने दो सर्विस हुई है इसकी अभी तक। पहली बुलेट पहली सर्विस हुई थी लद्दाख जाने से पहले, जो मैंने 500 किलोमीटर पर करवा ली थी, क्योंकि उससे लद्दाख जाने से कुछ टाइम पहले जैसे आपको पता है बाइक ली थी मैंने, और ज़्यादा टाइम नहीं मिला था फिर बीच में चलाने का, तो 500 किलोमीटर चली थी नाना करके भी। तो काफ़ी वाइब्रेशन थी, अब वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, मेरा हाथ अभी भी दर्द कर रहा है। और साइलेंसर भी मैंने इसका चेंज करवा लिया था, आपको जैसी आवाज़ आ रही होगी अभी। मिरर्स ठीक ही है, मतलब हिल जाते हैं बहुत जल्दी वाइब्रेशन से। अब जब यहाँ से निकलूँगा तब आपको लद्दाख के बारे में बताता हूँ बाकी का। वाइब्रेशन तो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। अब बात करते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख मेरा बड़ा भाई होकर आया था एक महीना पहले इस बाइक पे। बड़ा भाई मेरा यहाँ पर आ नहीं पाया, मेरे साथ काम पड़ गया था जैसे मैंने बताया। तो उसकी तरफ से मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बता दूँ बड़े भाई का। पहली बात, बुलेट ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, मेरे को नहीं लग रहा था कि इतना अच्छा परफॉर्म करेगी जितना मेरे बड़े भाई ने बताया। लग नहीं रहा था मेरे को कि इतना अच्छा बुलेट परफॉर्म करेगी। किक जो है, ये बुलेट की सिर्फ किक स्टार्ट है, इसमें सेल्फ स्टार्ट नहीं है, तो किक की वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई। माउंटेन्स पर कोल्ड क्लाइमेट था उधर बहुत ज़्यादा, -5 या -15 तक, जब मेरा भाई उधर था तो -15 तक क्लाइमेट टेम्परेचर उधर का चला गया था, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई कि बुलेट स्टार्ट नहीं हो रही हो या फिर किक नहीं लगी हो या फिर जाम हो रही हो। बुलेट में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जैसे मेरे बड़े भाई ने बताया, और मैं खुद सरप्राइज था ये सुनकर। माइलेज हाईवे पे मेरे भाई को बुलेट ने 33 की दे दी थी, मिनिमम 33 और मैक्सिमम 36 की दे दी थी। मेरे भाई ने टेस्ट करी थी माइलेज इसके एक पॉइंट पर आकर, और चढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मैं 2 मिनट यहाँ पर रुकता हूँ और आपको बताता हूँ थोड़ा सा और बाइक के बारे में। तो यहाँ पे हम रुक चुके हैं, अब मैं आपको बताऊँ तो बुलेट ने वैसे कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आई। बुलेट एकदम परफेक्ट चल रही है, टायर सभी एकदम ठीक है, 4000 किलोमीटर के हिसाब से एक भी पंचर नहीं हुआ। मेरे को लग रहा था पंचर हो सकता है क्योंकि स्पोक्ड व्हील्स है और ट्यूब टायर्स है, तो मेरे को लग रहा था पंचर हो सकता है, बट कोई पंचर नहीं हुआ बाइक में। बाइक 3 बार गिरी थी, अब देख सकते हैं यहाँ पर हल्के से स्क्रैच हो गए, ये हल्के हल्के से स्क्रैच है इधर, और ये लाइट हल्की टेढ़ी हो रखी है। बाइक 3 बार गिरी थी, बाइक के ऊपर भी थोड़े बहुत पत्थर वगैरह गिरे थे, बट कोई वैसे कोई भी दिक्कत नहीं आई बाइक में। बाइक अभी भी एकदम परफेक्ट है, एकदम सॉलिड है, जैसे बताती है रॉयल एनफील्ड मेड लाइक अ गन। बीच में ये उतर के गिर गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रू नहीं है, ये उतर के गिर गया था, ये फिर लगाया ऊपर जाकर। मेरा हाथ अभी भी दर्द कर रहा है, कुछ चला गया था हाथ में भी। तो जो चार्जिंग सॉकेट है सब कुछ काम कर रहा है अभी भी,
हल्का सा फट गया था बस गिरने की वजह से, कुछ अटक गया था यहाँ पे। ये आप फ्लैग छोटा सा देख सकते हैं प्रूफ कि हाँ लद्दाख होकर आई है ये बुलेट, वहीं से लग कर आया है पूरा। बाकी ओवरऑल सीट काफ़ी कंफर्टेबल रही अली जो हमने लगवाई थी, सीट काफ़ी कंफर्टेबल रही और कोई दिक्कत बाइक में बिल्कुल भी नहीं हुई, कोई रिलायबिलिटी इशू नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। और गिरने के बाद भी ऐसा नहीं लगा कि बाइक आगे चल नहीं पाएगी, बाइक आराम से आगे भाग दी थी। और क्रूजिंग स्पीड जो मेरे भाई ने जिस स्पीड पर क्रूज करा है बुलेट का, वो था अराउंड 65 to 70 किलोमीटर ना तक। यहाँ पे चलते ज़्यादा ऑकवर्ड, यहाँ पे हल्का फील होता है मेरे को कभी कभार। तो हायाबुसा, ओ यस, हायाबुसा भी देखने को मिल के चलो आज यार। हायाबुसा लेके बंदे घूम रहे हैं, हेलमेट पहन लो एक, क्या हो जाएगा बाल उनको अपने बाल सुन से लगते हैं। 1300 cc की बाइक चला रहे हो, ये नहीं हेलमेट पहन ले, छोटा स्टील बॉडी पहन ले ज़्यादा नहीं तो कुछ तो प्रोटेक्शन होगी सर की अपने गिर गए तो। पता नहीं क्या हो गया यार, मैं स्कूटी में बिना हेलमेट पहने नहीं निकलता कहीं पे। तो जैसा कि सब बता रहा है, बताया मैंने अभी आपको ये रिकॉर्डिंग में, तो मैंने जैसा भी आप सबको बताया बुलेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हुई। ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है रेस करने वाले मेरे से पीछे R5 वर्जन 3 और एक ड्यूक 200 है, छोड़ो मेरे को क्या करना, वैसे भी आज बुलेट है हाथ में, आज भी पंगे नहीं ले सकते। तो बुलेट बहुत अच्छा परफॉर्म करा लद्दाख में। हाँ एक प्रॉब्लम जो मेरे बड़े भाई को आई थी, वैसे तो किक से एक बार में चालू हो रही थी बुलेट ठंड, एकदम ठंडे वेदर ठंडे क्लाइमेट में, बट एक बार ऐसा हुआ था कि भाई को गर्म पानी डालना पड़ गया था उसके बुलेट के इंजन के ऊपर ताकि उसको हल्का सा वॉर्म मिले। और फिर एक या दो बार किक मारने पर स्टार्ट हो गई थी बुलेट। हाँ तो एक मेन क्वेश्चन आता है बाय और नॉट टू बाय। मैं बोलूँगा जिस प्राइस पे बुलेट मिल रही है 1,41,000 पे ये मेरे को बुलेट मिली थी, अब तो इससे भी सस्ता मॉडल आ गया एक बुलेट का, वो अराउंड 1,35,000 कुछ की पड़ेगी या फिर उससे भी कम है शायद, 1,31,000 या 1,32,000 के अराउंड पड़ेगी, सॉरी फॉर दैट। तो बाय और नॉट टू बाय ये बहुत बड़ा सवाल आ जाता है बुलेट को लेके, और लद्दाख के लिए क्या यह बाइक फिट है? मैं कहूँगा कि हाँ लद्दाख के लिए बाइक एकदम फिट है, ये लद्दाख आराम से जा सकती है, आराम से हाईवे पर क्रूज कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अभी जाके खरीद सकते हैं, और मैं प्रेफर करूँगा कि आप पटपटगंज वाले शोरूम से जाके खरीदे बाइक को, बाइक बहुत ही अच्छी है। मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं बुलेट के बारे में कभी इतनी ज़्यादा तारीफ कर सकता हूँ, बट अब मैं कर रहा हूँ क्योंकि अब मैंने चला ली इतनी ज़्यादा बुलेट। पहले मैंने कभी ऑन नहीं करी थी, बट अपने दोस्तों की कभी चला ली थी, बट अब जब मैं ऑन करके इतना ऑनर्स रिव्यू कह सकता हूँ एक कंज्यूमर के साथ की तरफ से कि येस यू कैन गो अहेड एंड बाय दिस बाइक राइट नाउ, इट्स अ रियली टेरिफिक बाइक। अगर आपको लद्दाख जाना है और एक बजट पे जाना है कि आपने बजट से बाइक लेनी है, तो बुलेट एक बहुत अच्छी चॉइस है, आप अभी जाके ले सकते हैं। और मैं प्रेफर करूँगा कि आप पटपटगंज वाले शोरूम से जाके खरीदें बाइक को। और सॉरी मैं पिछले वीक काफ़ी ज़्यादा इंडक्टिव था, कुछ प्रॉब्लम होगी थी घर पे। 7 days 7 vlogs हेयर आई कम। तो बाय नॉट टू बाय, जरूर जरूर आप जाइए खरीदिए बाइक के लिए, अभी जाके खरीदिए, बहुत अच्छी बाइक है। मेरे को रॉयल एनफील्ड या किसी ने स्पॉन्सर नहीं करा है, क्योंकि छोटे यूट्यूबर का कौन स्पॉन्सर करता है यार। मैं अभी जाके अपने पैसे, अगर मेरे को 1,40,000 किसी बजट किसी ऐसी बाइक पर लगाने हैं जो बुलेट जैसी हो, मतलब जो लद्दाख क्रूज कर ले डेली कम्यूटिंग में भी अच्छा परफॉर्म करे, तो बुलेट एक बहुत अच्छी चॉइस है। मैं आपको हाईलाइट से सजेस्ट करूँगा कि आप बुलेट जाके खरीदिए। और अगर आपके पास अगर थोड़ा और है, मतलब आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं एक और बाइक सजेस्ट करूँगा क्रूजिंग के लिए, या फिर क्या हो गया भाई। तो मैं एक और बाइक सजेस्ट करूँगा, वो है डोमिनार 400। अगर आपका 2 lakh तक का बजट है, इस बंदे को बड़ी जल्दी हो रही है यार, अगर आपका 2 lakh तक का बजट है तो मैं डोमिनार 400 भी सजेस्ट करूँगा, आप वो जाके भी ले सकते हैं, उसके टेस्ट राइड लीजिए, उसके बारे में जानिए बाइक। उसमें पावर ज़्यादा है तो शायद कंट्रोल करने में हल्की सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 40 bhp है और इसमें 19 bhp है, बट फिर भी काफ़ी मैनेजेबल पावर है उसकी, और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है उस बाइक में।
मैं यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ यार। आज मेरे पर ड्यूक भी, आज हाथ में ड्यूक भी नहीं है मेरे। तो यही था छोटा सा ब्लॉग, छोटा सा रिव्यू मेरा। बाय नॉट टू बाय, डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय दिस बाइक राइट नाउ। बहुत अच्छी बाइक है, आप आराम से चला सकते हैं। माइलेज भी सिटी में अराउंड 30 मिनिमम दे देगी, हाईवे पे मैक्सिमम इसने 36 दे दी मेरे बड़े भाई को, जो बहुत ही अच्छे माइलेज है 350 cc के इंजन के हिसाब से। बस हल्की सी टेक्नोलॉजी और आ जाए, जैसे थोड़ा कोटेड इंजन हो जिससे पेट्रोल की इवेपोरेशन बचती है, थोड़ा बोला इंजन हो जैसे KTMs में होता है, निकासिन कोटिंग हो इंजन की। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हिट द लाइक बटन इफ यू एंजॉय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। दिस इज थॉटर वीपर्स साइनिंग आउट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।